आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। आरसीबी से मिले 174 रन के लक्ष्य को सीएसके ने महज 4 विकेट खोकर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच में पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी टीम को कप्तान फाफ डुप्लेसी ने शानदार शुरुआत दिलाई। फाफ डुप्लेसी की तेज तर्रार शुरुआत पर मुस्तफिजुर रहमान ने ब्रेक लगाया और उन्हें चलता किया। इसके बाद रजत पाटीदार को शून्य पर रहमान ने अपना शिकार बना दिया। दो ओवर में मुस्तफिजुर को 2 सफलता मिली और यहीं से मैच की बाजी पूरी तरीके से पलट गई। फिर दीपक चहल ने ग्लेन मैक्सवेल को बिना खाता खोले ही आउट कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान ने फिर कोहली और कैमरन को एक ओवर में ही आउट कर सीएसके को सफलता दिलाई। इसके बाद आरसीबी टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने उठाई। दोनों के बीच 95 रन की साझेदारी हुई। इस तरह आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके ने सधी हुई शुरुआत की। कप्तान गायकवाड़ 15 गेंदों में 15 और डेब्यूटेंट रविंद्र 15 गेंदों में 37 रन बनाकर पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी किए। चेन्नई को पहला झटका गायकवाड़ के रूप में मिला, जिन्हें यश दयाल ने चौथे ओवर में पवेलियन भेज दिया। रचिन की तूफानी पारी का अंत 7वें ओवर में कर्ण शर्मा ने किया। अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंदों में 27 रन बनाकर ग्रीन ने 11वें ओवर में उन्हें चलता किया। ग्रीन ने 13वें ओवर में डेरिल को 22 रन पर पवेलियन की ओर चलता किया, लेकिन फिर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की सूझबूझ भरी पारी ने चेन्नई को जीत दिलवाई। शिवम दुबे ने 28 बॉल पर 34 रन बनाए, वहीं जडेजा ने 17 बॉल पर 25 रन बनाए। क्रिकेट जगत की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।